हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ऐ दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट की वीडियो सबसे पहले उनको मिलती रहे। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, ये वीडियो आज सोशल एड वर्ल्ड के उन लोगों के लिए है जो इंडिया से बाहर के लोग हैं, तो स्पेशली उनके लिए है कि इंडिया से बाहर उनको कैसे टी शर्ट मिलेगी और जो डॉलर फिक्स किया हुआ है कंपनी ने 60 रुपये का, तो उनके कंट्री में डॉलर की क्या वैल्यू होगी, कैसे ये फ्लक्चुएट करेगी कम और ज़्यादा। और ये वीडियो उसके बारे में भी है कि आपकी जो इंडिया से बाहर के लोग हैं उनकी कितनी परसेंट डिडक्शन विड्रॉल में होगी। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा कि क्या बोलते हैं हमारे एमडी राजीव शर्मा जी। तो वो आपको बता रहे हैं टी शर्ट के बारे में, टी शर्ट कैसे मिलेगी आपको इंडिया से बाहर और डॉलर की क्या वैल्यू रहेगी आपके लिए कब कब और कैसे आपकी विड्रॉल लगाने पे डिडक्शन होगी। तो ये वीडियो राजीव जी क्या बोलते हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं कि राजीव जी क्या कह रहे हैं। डियर सर, मैं आपको सब इसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है और ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपका नहीं होगा, जितने भी हमारे इंडिया से बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, यूएसए से हो, कनाडा से हो, श्रीलंका से हो, कहीं से भी हो, तो जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं तो उन लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा इस डॉलर को लेकर के, रेट को लेकर के। तो मैं, आपने जो सवाल पूछा है उसके मैं सारे जवाब दूंगा। सबसे पहला जो चीज़ है वो आपने एक रजिस्ट्रेशन को लेकर के बोली है, तो सर रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, उसको हम मंडे को सॉल्व कर देंगे। पहले नहीं आ रही थी लेकिन अभी कुछ आ रही है। अभी जो 3 तारीख को जो थोड़ा सा सर्वर का जो कुछ अपडेशंस हुआ था तो उसमें कुछ एरर्स हैं, तो वो हम मंडे को सॉल्व कर देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि सर टी शर्ट का कैसे होगा जो बाहर के जो लोग हैं, तो सर बाहर के लोगों के लिए सर कंपनी ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑलरेडी लाइसेंस कंपनी का अप्रूव हो चुका है, तो जितने भी बाहर के लोग हैं सबको जो टी शर्ट है वो चाहे बाय कोरियर जाए, कैसे भी जाए, वो कंपनी का काम है सर, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, उनको टी शर्ट वहां पर पहुंच जाएगी। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सबसे जो मेन क्वेश्चन था आपका वो था कि जो लोग बाहर के हैं तो उनको डॉलर के अंदर पैसा किस तरीके से मिलेगा, मतलब किस तरीके से कैलकुलेशन उसकी होगी। तो सर उसके बारे में मैं आपको, बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, कुछ लोगों ने पूछे नहीं है अभी तक, लेकिन मैं सबको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, सबके लिए है ये। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी जो अर्निंग हो रही है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपकी जो अर्निंग हो रही है सर, हमारी जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, पहली चीज। तो इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी ने क्या किया है कि डॉलर और INR दोनों चीजों के अंदर कंपनी डील कर रही है, लेकिन कंपनी ने एक करेंसी रेट रखा हुआ है हमारा, और ये जो करेंसी रेट जो होता है वो 5 से 7 रुपए का डिफरेंस चलता है जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर का जो रेट है। मान लीजिए अगर 65-66 रुपए का रेट है मार्केट का, तो कंपनी ने रेट रखा है 60 रुपए का। अगर रेट 70 रुपए से अबव जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो कंपनी का यहां पे जो कैलकुलेशन होगी वो भी सर 60 रुपए से बढ़ के 65 रुपए हो जाएगी। और अगर कंपनी डॉलर का जो रेट है वो 65-66 रुपए से घट के 60 रुपए से नीचे आता है, तो यहां पे जो 60 रुपए का जो कैलकुलेशन है वो 55 रुपए हो जाएगा। शुरू में भी हमने बताया था कि जो डॉलर की जो कैलकुलेशन है यहां पे, वो हम लोग जो करते हैं अपने प्लान के मुताबिक, वो 5-6 रुपए का डिफरेंस रहेगा, 5 से 7 रुपए का अप या डाउन। अगर रेट अप जाएगा तो उससे 5 से 7 रुपए हमारा रेट डाउन रहेगा, और अगर डाउन जाएगा तो उससे भी 5 से 7 रुपए हमारा रेट डाउन जाएगा। इनके इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारा जो रेट है कैलकुलेशन के हिसाब से, प्लान के हिसाब से, वो 5 से 7 रुपए का डिफरेंस रहेगा, एक चीज। दूसरी चीज, अब जो इंडियन जो लोग जब विड्रॉल लगाते हैं तो उसमें से जो भी उनका डिडक्शन होता है, चाहे वो TDS हो, एडमिन चार्ज हो, या उनका शॉपिंग वॉलेट हो, तो सब डिडक्शन होने के बाद उनको जो पे आउट जाता है वो INR में जाता है। लेकिन अब जो बाहर के जो लोग हैं, तो सर ना तो हम उनका TDS काट पाएंगे और ना ही हम उनको शॉपिंग वॉलेट में काटेंगे,
तो वहां पे जो डिडक्शन होगी वो दो होंगी। पहली चीज 10% एडमिन चार्ज कटेगा, और दूसरी चीज क्योंकि हमें इंडिया से वो पैसा बाहर भेजना है तो उसके लिए एक ट्रांसफर फीस लगती है, तो हमने वहां पे जो राउंड फिगर फीस लगी है, क्योंकि हर स्टेट की हर कंट्री की एक अलग फीस होती है, तो हमने यहाँ पे एक राउंड फिगर फीस रखी है 10%, यानी कि टोटल 20% का डिडक्शन होगा इंडिया से बाहर वाले लोगों का, पहली चीज। उसके बाद 20% डिडक्शन करने के बाद जो भी उनका बैलेंस अमाउंट बनता है INR में, उस INR को जो इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है डॉलर का, उस रेट से डिवाइड किया जाएगा, और उस रेट से डिवाइड करके जो डॉलर निकलेंगे उस उतने ही डॉलर उनको उनके पेपाल अकाउंट में या परफेक्ट मनी के अकाउंट में दिए जाएंगे। तो सर यही एक सिस्टम है जो कंपनी ने रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल की मान लीजिए कि किसी यूजर ने $100 कमाए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि $100 कमाए, $100 का उसका विड्रॉल है, तो सबसे पहले तो इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना पैसा बनता है, $100 का बन गया आपका ₹60 के हिसाब से ₹6,000। अब ₹6,000 में से 20% का उनका डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि लगभग ₹1,200। तो ₹1,200 का डिडक्शन होने के बाद बचा ₹4,800। अब ₹4,800 को डिवाइड किया जाएगा जो उस दिन का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर का जो रेट चल रहा है, वो ₹65 है कि ₹66 है कि ₹60 है कि ₹70 है, उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाएगा। और जब हम आपको पेपाल में या परफेक्ट मनी के अंदर जब पैसा भेजेंगे तो वो उतने ही डॉलर भेजेंगे जो उसका डिवाइड करने के बाद जितने नंबर ऑफ डॉलर्स आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, और ये इसी तरीके से रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी।